महराश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महराश्री 2013 में समाज के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और 2015 में गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में मुझे संयोजक की पद दिया गया था पंच कल्याणक में। वो मैंने ईमानदारी से बखूबी से निभाया, इस कारण से लोगों ने चुनाव के माध्यम से मुझे अध्यक्ष बनाया। अब आगे क्या करूं जिसमें पूरी समाज में सामंजस्य बैठे और जैसे कभी कभी संचालन के दौरान किसी का नाम ना ले पाए या कुछ वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो कहते यार मेरे को भूल जाते हो। एक ऐसा पद है जिसमें वजन भी बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन सभी को खुश करने का प्रयास करता हूँ जिससे सामंजस्य बना रहे और सभी कमेटियाँ भी सामंजस्य बना रहे, ऐसा क्या करूँ महाराजश्री? देखो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ ये पद नहीं दायित्व है। सबसे पहले तुम्हारे माध्यम से मैं उन सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जिन्हें विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थानों की बागडोर संभालने का सौभाग्य मिला है। ये इसे अपना पद मानने की जगह दायित्व माने। दायित्व यानी एक प्रकार की जिम्मेदारी जवाबदारी जिसे मुझे अच्छे से निभाना है। स्वाभाविक है जब किसी के कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है तो उसका भार भी होता है लेकिन वह अपनी कुशलता से उसे निभा लेता है। किसी भी टीम लीडर के लिए चार बातें अपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात, सबके मध्य टीम भावना उत्पन्न करें, समन्वयात्मक दृष्टि। पहली बात, हम सब के मध्य समन्वय बना करके चलें, सामंजस्य बना करके चलें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और समन्वय अथवा सामंजस्य तभी बनता है जब हम कुछ अपनी और कुछ सामने वाले की मन की रख करके चलने की कला अपनाते हैं। जो केवल अपने मन की चलाने की कोशिश करते हैं वे अलग थलग पड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने मन के साथ औरों के मन का ख्याल रखते हैं वे सबके मन में बस जाते हैं। तो ऐसा समन्वयात्मक दृष्टिकोण, सामंजस्य का दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, श्रेय देने की आदत बनानी चाहिए। प्रायः जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनको लोग श्रेय देते हैं क्योंकि सब काम उनसे ही करता हुआ दिखता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरे पीछे चले या मेरे पीछे रहने वाले लोग मुझसे खुश रहे तो हर कार्य का श्रेय अपने पीछे वालों को दो। आप औरों को जितना मान दोगे आपका उतना मान बढ़ेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखने की है, मान देने से बढ़ता है, समझ गया? तो श्रेय दे। तीसरी बात, आलोचना सहने की शक्ति विकसित करें। प्रायः जब कोई पद में होता है तो स्वाभाविक है उसके प्रशंसक होते तो आलोचक भी होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति आलोचना को नहीं सह पाता तो आलोचना न सह पाने के कारण सामने वाले व्यक्ति को अपना उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए अपना विरोधी मान लेता है।
फिर उसके साथ उसका जो व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं रह पाता। और जब हम ऐसे असामान्य व्यवहार के साथ जिएंगे तो सामंजस्य और समरसता की बात कैसे करेंगे। और चौथी बात, झूठे प्रशंसकों से बचो। मैं समझता हूँ यदि ये चारों बातें अपना ली जाए तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो कहीं भी रहेगा अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। गुरुदेव का एक हाइकू है, दादा बने हो दादागिरी न दिखाओ। सुनो ध्यान से, दादा बने हो दादागिरी न दिखाओ, दायित्व पालो। बहुत समझ गए। तो हम अगर किसी भी पद पर है उस पद का हम अच्छे से निर्वहन करें, लेकिन अहंकार से बच के जिए, जीवन आगे बढ़े।